धूप के कारण कोई मिस्त्री टाइम से कह रहा है कि आज जाएंगे कल जाएंगे वो। हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ। आज हम आ चुके हैं कांवरिया पथ बोलबम के रास्ते में और यहाँ टंकेश्वर हनुमान मंदिर की जो अभी बन रहा है उनके बारे में चर्चा हो रहा है बहुत ज़्यादा। और आप लोगों को मैं यहाँ पे हमारे साथ में यहाँ के हनुमान मंदिर के भक्त भी हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और यहाँ की तैयारी किस तरह से हो रहा है वो भी आप लोगों की मैं जानकारी देता हूँ। हर महादेव बाबा, जय श्री राम। जय श्री राम। तो बाबा, अभी यहाँ फिलहाल हनुमान मंदिर बनने का चर्चा चल रहा है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बोलना चाहेंगे कि थोड़ा मिस्त्री का और लेबर का थोड़ा अभाव हो रहा है। अच्छा। मेहनत तो पूरा हम लोग कर रहे हैं। अच्छा जी। बसरते एक दो दिन में यहाँ काम चालू हो जाएगा। अच्छा, तो अभी आप काम के बारे में क्या विशेषता चल रहा है अभी यहाँ पे? इसका जारी चल रहा है। अच्छा जी। मिस्त्री से गप सड़ाका हो रहा है। अच्छा, फिलहाल आपको आगे देखिए बजरंगबली का कृपा, हम अच्छा। लोग क्या करेंगे, तो मेहनत तो कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि अभी फिलहाल कितने दिन से फिलहाल काम स्टार्ट हो जाएंगे और अभी क्या क्या काम हुए उनके बारे में बता देंगे? अभी तो यहाँ पे सीमेंट सारा सामान गिर गया है। अच्छा। बसरते यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा जी। वो भी ढो के दूर से लाना पड़ेगा। अच्छा जी। दूसरी बात है कि धूप के कारण कोई मिस्त्री टाइम से कह रहा है कि आज जाएंगे कल जाएंगे वो नहीं आ पा रहे। नहीं आ पा रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे इस मंदिर में अभी काम क्या क्या हुए हैं अभी तक में? अभी तक यही हुआ कि तरी जग गया है। अच्छा, उसमें नाग नागिन कछुआ मीन जो भी उसका जितना भी जैसे कि कोई सा मिट्टी गंगा जल तो आप लोग ले भी किए हैं। हाँ जी, हम पिछले वाले वीडियो में दिखाए थे इन लोगों को, जितना भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन लोग जान रहे हैं कि हम लाने गए थे गंगा जल और मिट्टी वगैरह, सब जान रहे हैं। हाँ। और फिलहाल यहाँ का काम अभी फिलहाल कम से कम कंफर्म 1 से 2 दिन के बाद से काम स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? हाँ। अच्छा, पापा ने बताया कि अभी काम की क्या तड़ी वगैरह हो गया है, तो देखिए तड़ी की खुदाई इधर हो चुका है और मैं आगे में दिखाऊँ तो कंटिन्यू तड़ी की खुदाई चारों ओर हो गई है और एक तड़ी में पिलर भी गाड़ दिया गया है और पूरा भी पिलर कंप्लीट नहीं है बल्कि उसमें पूजा पाठ कर दिया गया है और इधर सीमेंट वगैरह रखने के लिए ये अभी तिरपाल से ढका हुआ सीमेंट का बोरा है और ये रहा वो पिलर, आप लोग देख सक रहे हैं जो कि अभी पिलर पूजा के लिए पूजा कर दिए गए थे यहाँ पे और तड़ी में डाल के पिलर को खड़ा कर दिए। और मैं बात करूँ तो इधर बालू और क्या क्या मटेरियल गिरा है तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो ये देख सक रहे हैं यहाँ पे है बालू और ईंट और भी मटेरियल है यहाँ पे, फिलहाल आप लोगों को मैं दिखा दूँ। तो ये रहा गिट्टी, आप लोग देख सक रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल बाबा जी बताएं, जैसे कि आप लोग देख सक रहे हैं इसी हनुमान मंदिर में बाबा रहते थे और अभी भी रह रहे फ़िलहाल, आप लोगों को मैं बता दूँ कंटिन्यू। और बाबा फ़िलहाल कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, बाबा आते हैं बाहर मंदिर से तो हम थोड़ा सा एक बात करते हैं उनसे। बाबा, आपको फ़िलहाल यहाँ पे इस मंदिर में जी कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? ये हम ये रमनमी जो है एक हनुमान जी पीपल पेड़ के पास। अच्छा जी। किसी प्रकार से आया। अच्छा। और हम जात का गिरी गोस्वामी हैं। अच्छा जी। तो सभी लोग बोला कि बाबा पहले वहीं दुर्गा मंदिर के पास देने वाला था हनुमान जी को। अच्छा जी। तो सब लोग बोला कि बाबा ये मंदिर बनाइए और यहाँ पे आप रहिए। अच्छा। तो जब से हनुमान जी को दिया है तब से हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ तक गड्ढा था। अच्छा जी। इस गड्ढा को हम पोपलेन से चलवा के पूरे इसको मिट्टी को हम भरवाए हैं। अच्छा। ये देखिए यहाँ पर आइए, ये जो है ये पोपलेन नहीं तोड़ पाया तो इसको छेनी हथौड़ा से सोचे हैं कि इसको तोड़वा के इसके बाद पूरे बम के लिए व्यवस्था किया जाएगा यहाँ पर। अच्छा। जो कि बम को सेवा होवे, यहाँ की कोई मतलब किसी से मांग नहीं है, कोई बम को जिनको इच्छा हो जाएगा कि नहीं दान करेंगे मंदिर में किसी पुजारी को तो वो अलग की बात है, अलग की बात है, लेकिन यहाँ सेवा सबका होगा जहाँ तक और यहाँ पे यहाँ का सेवा निःशुल्क सेवा होगा, कहने का मकसद ये है ना, कोई पैसा नहीं लगेगा। अच्छा जी। निःशुल्क सेवा रहेगा यहाँ पे, कोई बिजनेस यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा जी। यहाँ पे जितना भी सेवा होंगे हाँ। सब सारा का सारा निःशुल्क सेवा होंगे सेवा होगा। और यहाँ पे तो बैठने कांवरिया बैठने का व्यवस्था भी होना चाहिए ना, जैसे कि मंदिर बन गया हाँ। तो उस हिसाब से आप कांवरिया को बैठने के लिए
कुछ व्यवस्था तो करेंगे ना। व्यवस्था होना चाहिए, जब मंदिर हो गया तो हमारे लिए भी एक कुटिया होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम मंदिर में कैसे रहेंगे। अच्छा जी, ये भी तो होना चाहिए जी जी। इसके बाद कोई बम उम आया उनको भी बैठने के लिए होना चाहिए, कुछ थोड़ा अंखा पंखा का व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा, ये सब चपाकल। अच्छा, पानी तो देखवे किए पहले भी वीडियो में। हाँ, पानी यहाँ से कितना दूरी, किलो कितना मीटर जाने के बाद मिल जाता? तो हम वहाँ से बाल्टी से ला के और धो के यहाँ घेला में हम पानी, तब थोड़ा सा दूरी से, थोड़ा दूर से लाना पड़ता है पानी को। हाँ। अच्छा जी, बहुत धन्यवाद बाबा इतना सारा जानकारी देने के लिए। फिर बहुत जल्द हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम। आप लोग देख सक रहे हैं यहाँ की ही कुछ ग्रामीण एक लड़का है नौजवान, और उनसे मैं बात करता हूँ। तो भाई आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम रोहित कुमार है। अच्छा, आप यहाँ पे जैसे कि कितना साल से आप यहाँ पे इस मंदिर में, जैसे कि ये वाला देख रहे, थोड़ा सा तंबू वगैरह डाल के बाबा जी रह रहे हैं, तो कितने साल से आप देख रहे हैं बाबा जी को? लगभग 2 साल से। 2 साल से? अच्छा, कंटिन्यू 2 साल से बाबा इसी कुटिया में रहते हैं, और फिलहाल बाबा हमेशा यहाँ रहते हैं या फिर इधर उधर भी जाते हैं? कंटिन्यू हमेशा रहते हैं। कंटिन्यू सभी कांवरिया बम जितना भी इधर गांव समाज का लोग है सारा मिल के यहाँ पे व्यवस्था की है बाबा का रहने के लिए, है ना? जितना भी यहाँ का गांव वगैरह का है, सामाजिक लोग है, सब मिल के यहाँ पे बाबा का रहने का स्थान दिए हैं, है ना? ठीक है भाई, बहुत सारे जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।